और बस बस सब कुछ ही क्षण का इंतजार हो गया है। गोल्ड मेडल तय हो गया है, गोल्ड मेडल हो गया है, गोल्ड मेडल, क्योंकि याकूब जो कि इनके साथ पीछा कर रहे थे, अब एक इकलौता थ्रो हर जो एथलीट थे थ्रोअर थे अजय जी, उन्होंने हर किसी ने छह छह थ्रो कर लिया। अब नीरज चोपड़ा का आखिरी थ्रो है, आखिरी थ्रो, अगर इस थ्रो में वो फाउल भी कर देते हैं तो नीरज चोपड़ा का गोल्ड मेडल तय हो गया 87.58 मीटर के साथ। और यहां पर इतिहास रच दिया गया है, सिर्फ औपचारिकता भर यहां पर रह गई है। वाकई में लाजवाब मौका है यहां पर, और नीरज चोपड़ा जो है गोल्ड मेडल जीत चुके हैं। आपको मैं बता दूं अपना आखिरी थ्रो औपचारिक भर करने के लिए अब यहां पर नेशनल स्टेडियम जापान के टोक्यो में अब आ रहे हैं, और ये हिंदुस्तान के इतिहास का सबसे सुनहरा पल है ट्रैक एंड फील्ड का। 70 साल से ज्यादा के इतिहास में, आजाद भारत के इतिहास में पहला ट्रैक एंड फील्ड गोल्ड हिंदुस्तान के नाम आ चुका है। बिल्कुल, अब ये आखिरी थ्रो